शहर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार दो दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रविवार रात गोपाल मंदिर और बांकी बिहारी मंदिर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहीं कल यशोदा माता मंदिर और इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वैसे इंदौर भर में गोपाल मंदिर के अनुसार ही जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन इस बार दो दिनों तक जन्माष्टमी होने से लोगों में काफी उत्साह भी है। आरती के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माखन चोर के दर्शन कर जन्मोत्सव का जश्न मनाया। कृष्ण भगवान के जन्म के साथ ही लोग जमकर झूमे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदौर विभाग द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बांसुरी वादन करते हुए संचलन निकाला गया। संचलन मल्हार आश्रम से प्रारंभ होकर तिलक पथ से राजवाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचा, जहां पर बांसुरी वादन किया गया। संचलन का समापन वापस मल्हार आश्रम पर किया गया। संचलन में लगभग 100 वादक शामिल हुए और इसमें एक महापूर्व से अभ्यास होता है और इसमें सभी विद्यार्थी शामिल होते हैं। क्योंकि भगवान का जो वाद्य वंशी है और इसलिए उसमें कुछ रचनाएं तय रहती है, वो सिलेक्टर रचना बजाई जाती है, जैसे मीरा भूप इस प्रकार की रचनाएं, तिलंग है, उदय चेतक, इस प्रकार की रचनाओं का समावेश किया जाता है और उसका अभ्यास करके प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ राजबाड़े पर हमारा प्राचीन जो मंदिर है भगवान कृष्ण का, गोपाल मंदिर, इस पर आकर माल्य अर्पण कर और उनके सामने वादन करके इसको पूर्ण किया जाता है। निपा नगर रेंज कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर कक्ष क्रमांक 214 चिमनापुर क्षेत्र के 400 हेक्टेयर जंगल में अतिक्रमणकारियों ने घुसकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर डाली, तो वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जब रेंज कार्यालय के पास ही जंगल नहीं बचाया जा रहा तो दूर दराज के जंगलों का क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो पहचान में आए हैं लगभग 20-21 लोग, उनके खिलाफ जो है वन अपराध प्रकरण कायम है। इसमें अभी और भी संभावना है, 50-60 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे जैसे विवेचना होगी और पहचान में लोग आते जाएंगे। दोनों मतलब झारखंडी सहित लगभग में 70-80 होंगे। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी यादव समाज खातेगांव द्वारा उत्साह उमंग के साथ विशाल कलश एवं शोभा यात्रा चल समारोह का आयोजन किया गया। चल समारोह में नव युवक मंडल यादव समाज के द्वारा 13 विशेष जीवंत झांकियों के साथ पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। चल समारोह का अनेक समाज प्रमुखों ने पुष्प वर्षा के स्वागत व सम्मान किया। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर पहुंचा, जहां भगवान का पूजन अर्चन कर वस्त्र बदले गए। पश्चात कलश यात्रा चल समारोह का समापन यादव समाज धर्मशाला एवं नवीन राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आरती के पश्चात किया गया। खातेगांव नगर में सभी समाज के द्वारा, यादव समाज और सभी समाज के, खातेगांव जितने भी समाज है आसपास के समाज द्वारा यहाँ आकर उन्होंने जुलूस में भगवान श्री कृष्ण के जुलूस में यहाँ शोभा यात्रा में चल समारोह निकाला गया और बड़े ही धूमधाम से उन्होंने हमें सहयोग दिया। मैं खातेगांव यादव समाज की ओर से सभी सामाजिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी यादव समाज के कार्यक्रम में बहुत बहुत सहयोग दिया। ये हमें प्रेरणा मिली हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके मार्गदर्शन पर हम सभी यादव समाज चल रहे हैं। उनके जो भारत स्वच्छ अभियान को लेकर उन्होंने मुहिम छेड़ा था उसे हम पूरा करेंगे और खातेगांव नगर, पूरे नगर मार्केट में हम अपने यादव समाज के जो चल समारोह निकल रहा है इसमें हम सभी यादव समाज बंधुओं की ओर से हम पीछे भारत साफ सफाई अभियान के कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए कलौता समाज की ओर से और मैं अपने और अपने इष्ट मित्र और परिवार की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे पवित्र त्योहारों पर ऐसे आयोजनों के लिए बहुत बहुत समाज और खातेगांव के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नगर में 1 सितंबर से गुमास्ता कानून का पालन कराने के लिए नगर पंचायत नसरुल्लागंज में मुनादी कराई थी। इसके लिए रविवार का दिन चुना गया था। 12 बजे तक दुकानें बंद रही, फिर धीरे धीरे दुकानें खुलना चालू हो गईं और दुकानदारों ने दिन भर अपनी दुकानें खोलकर अपना व्यापार किया। इसमें छोटे दुकानदारों का आक्रोश भी देखने को मिला। उनका कहना था कि जब मुनादी कराई थी तो नगर पंचायत में ध्यान नहीं दिया, सप्ताह में एक दिन व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद करने की बात कही थी, इसके लिए रविवार का दिन चयन किया गया था। अभी तक तो नगरी प्रशासन से अनाउंसमेंट करवाया गया है, आज बाजार बंद का था तो अभी कुछ दुकानें खोल ली है कुछ व्यापारियों ने। प्रशासन से हमने मांग की है तो डीआई साहब ने बोला है कि अभी एसडीएम साहब और नगर पंचायत आयुक्त को फोन करके जानकारी देता हूँ।
मंगलवार को मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं द्वारा अल सुबह पुण्य सलिला नर्मदा में स्नान कर भगवान का पूजन किया गया। तत्पश्चात स्वाध्याय परिवार द्वारा नगर में भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जो पुलिस थाना हंडिया पहुंची, जहां पर कारागार में भगवान की प्रतिमा ले जाकर पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात शोभा यात्रा समूचे नगर में निकाली, जहां श्रद्धालुओं द्वारा घर घर पूजन किया गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से छोटा हाथी वाहन घुसा, 13 लोगों को मामूली चोटें आईं, एक की हालत गंभीर। सुमन पति अर्जुन बा बसुबाई पति देवलाल को मामूली चोटें आई हैं, वहीं लीला पति लक्ष्मण की हालत गंभीर बताई जा रही है। विमला पति शिवनारायण के पैर में फ्रैक्चर होना बताया जा रहा है। सभी घायलों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। अच्छा, कैसे हो गया एक्सीडेंट? ट्रक खड़े था, जमे था, चढ़ दियो वो नहीं पहचान दियो भैया वाला चढ़ दियो। अच्छा, फिर कहाँ है ड्राइवर? ग्राम खेड़ा में ब्लॉक स्तरीय स्कूल आंगनवाड़ी में भोजन पकाने वाली महिलाओं की बैठक में मानदेय का मुद्दा उठाया गया। इन महिलाओं को मात्र 1000 रूपए प्रतिमाह मिलता है, जो कि 30 रूपए प्रतिदिन व मुश्किल से पड़ता है। इस बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सुखराम बामने और ज्योति दमाड़े, पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण कापड़िया, शिव कापड़िया ने हिस्सा लिया। अधिवक्ता सुखराम बामने ने कहा कि 30 रूपए में कुछ नहीं होता, सरकार या उसका कोई कर्मचारी 30 रूपए में कार्य करके दिखाए, यह सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी कानून का भी उल्लंघन किया जा रहा है। आज मीटिंग में ग्राम खेड़ा में रखी गई है पूरे हरदा जिले की मध्याह्न भोजन की महिलाओं द्वारा, और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि मंगलवार को तो हम ज्ञापन देंगे, और अगर हमारे ज्ञापन पे 3 दिन के अंदर मांग नहीं मानी गई तो आगामी दिनों के बाद हम मध्याह्न भोजन ये महिलाएं गांव बनाना बंद कर देगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसलिए हम उनसे अल्टीमेटम माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि वे 3 दिन के अंदर इस मांग को हल करें, नहीं तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़े। रसोईया काम कर रही है तो पूरा घर का काम करके रसोईया जब घर से निकलती है तो घर में भी 2 बात सुन के चलती है, और बाहर जब स्कूल में जाती है तो सर लोगों की भी 2 बात सुनती है। किसी के माता पिता आते तो हमारे बच्चों का खाना टाइम पे नहीं मिला तो उनकी भी 2 बात सुननी पड़ती है पूरा मतलब। और जो भी है वो हमको हमारा मानदेय सही हिसाब से, हमारी महिलाओं के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, हमारी महिलाओं को सही हिसाब से वेतन दिया जाए। भगवान बलराम के समक्ष धरती पुत्र अन्नदाता किसान का सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के किसानों का सम्मान करती है। किसानों के सम्मान के लिए बलराम जयंती पर यह आयोजन आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया है। उक्त विचार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कैलाश टाडा ने किसानों को संबोधित करते हुए किसानों के सम्मान में आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम में व्यक्त किए। चाहे कुछ भी हो पर इस खेती की परंपरा और रीति के हिसाब से आदिकाल में कहीं ना कहीं हमारे पुरखे थे, तो इसी परंपरा को निभाते हुए हमारे जो बुजुर्ग किसान साथी सम्माननीय जो किसान साथी रहते हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उन सबका सम्मान करकर उसी परंपरा को निर्वाहन करते हुए उनके सम्मान के माध्यम से हम भगवान बलराम का ही सम्मान करते। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद जहां पूरे देश में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसी श्रृंखला में खातेगांव में भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खातेगांव तहसील के ग्राम पंड्यादेह पूर्व मंडी अध्यक्ष बालकराम विश्नोई की पोती नुपुर विश्नोई ने अपनी कविता के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए वो कर गए ऐसा जादू, मन कहता है अटल जी के लिए कविता बना दूं, उनकी महानता को अपने शब्दों में सजा दूं, एक बार फिर सबको उनकी याद दिला दूं। 25 दिसंबर 1924 को एक बालक आया था भारत को, जिसने नए रंगों से सजाया था, जिसने भारतीय जन संघ बनाया था, अपनी मेहनत और लगन से भारत का प्रधानमंत्री बन दिखाया था, वह बालक अटल बिहारी वाजपेयी कहलाया था। शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव दीप्ति गोड़ मुखर्जी स्कूली बच्चों से हुई रूबरू। माध्यमिक शाला लाड़कुई में 7वीं-8वीं क्लास के बच्चों की ली क्लास। पढ़ाई में बच्चों को कमजोर पाए जाने पर शिक्षकों सहित अधिकारियों को लगाई फटकार।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीयन कार्ड ग्राम पंचायत बालागांव में हितग्राहियों को वितरित किए गए। कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल ने माँ सरस्वती एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पूजा अर्चना एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कांग्रेसी बीजेपी को कहती है कि भाजपा कांग्रेस किसान विरोधी है, तो भैया कांग्रेसी हो तुमने 60 साल राज किया, तुमने कभी 60 रुपए भी दिए किसानों को? बल्कि तुम्हारे राज में बिजली नहीं थी, किसानों को हर साल 1-1 करोड़ का डीजल जलाना पड़ता था। ये बालागांव गांव में तो 2 करोड़ का डीजल जलता जब खेती होती थी, बर्बाद कर दिया। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम किसानों को 2000 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीद रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, वहाँ 1 रुपया भी बोनस नहीं, दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री, 1 रुपया बोनस नहीं दिया। नगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ शनिवार को टिमरनी विधायक संजय शाह पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर की गई। बालागांव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरपंच समोताबाई बछानिया थी। तत्पश्चात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थात आपका बैंक आपके द्वार बैंक की विस्तृत जानकारी नोडल अधिकारी प्रहलाद रामकुचे ने ग्रामीणों एवं उपभोक्ताओं को दी। आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ, इसका क्या लाभ मिलेगा? इसमें घर पहुंच सेवा मिलेगी, डाकिया द्वारा जो है आपका खाता खुलेगा और पेमेंट भी होगा, भुगतान और अपना जमा निकासी सारी व्यवस्थाएं रहेगी, निशुल्क रहेगा ये, मतलब 0 बैलेंस पर खुलेगा। भगवान बलराम जी की जयंती पर समाज के सभी लोगों के द्वारा किरार दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हुए नगर के मुख्य मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा किरार भवन से बैंड पार्टी मनमोहक झांकियों के साथ मंडी परिसर में पहुंचा। यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन वंदना स्वागत गीत के उपरांत समस्त अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने अपने विचार रखते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। किशनगंज थाना महू को चोरी की बाइक मिलने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपी धार जिले का है। एसडीओपी विनोद शर्मा के अनुसार उप पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम, अति पुलिस अधीक्षक महू और एसडीओपी के मार्गदर्शन में प्रभावी निरीक्षण चल रहा है। एसडीओपी विनोद शर्मा ने बताया कि पुलिस रात्रि गश्त मुस्तैदी से कर रही है। हाईवे पर कड़ी गश्त होने के कारण बदमाश कॉलोनियों को निशाना बना रहे हैं। इस मामले में भी सघन पूछताछ जारी है, जल्द ही इसके अच्छे परिणाम निकलने की संभावना है। पूछताछ करने पे 3 गाड़ियां उसने और चुराना बताया, जिसमे एक खजराना की है, एक भवरकुआ की है और एक मऊ की है। काकड़वा जो गांव है टाणा का, इसमें ज़्यादातर चोट्टे जो है इस गांव से अपने आप मूवमेंट बारिश के टाइम पे करते हैं, तो और ज़्यादा इससे पूछताछ के लिए रिमांड लिया हुआ है। आगे और आरोपियों के नाम खुलने की उम्मीद है और उम्मीद है कि और कोई आरोपी और खुले। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम मिल बाचे के तारतम्य में दिनांक 31/8/2018 को पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सचिन अतुलकर द्वारा पुलिस लाइन स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय नागझिरी उज्जैन पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया गया तथा उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों से संबंधित प्रश्न के उत्तर दिए गए। उन्होंने अभी तक पढ़ा था वो बताया गया और कुछ उसके संबंध में उनके विषय के संबंध में उन्होंने सवाल पूछे, जो उन्होंने बड़े उत्साह से उसके जवाब भी दिए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और इस प्रकार से जो भ्रमण होता है उससे मुझे लगता है कि स्कूल की जो स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, साथ ही जो बच्चों की पढ़ाई का स्तर है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक अनुभव भी रहा और एक बच्चों से शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अवसर रहा।